पहाड़ों में हो रही तेज बारिश से यमुना बिल्कुल उफान पे आ रही है। मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूंगा दृश्य दिखाएंगे। दरअसल ये दृश्य जो है हथनी कुंड बैराज का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पानी की जो लहरें हैं, पानी की जो हिलोरे हैं, वह कहीं ना कहीं अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक डर जैसा प्रतीत होता है। ये पानी अभी के समय में तो 2-2.5 लाख क्यूसिक की चल रहा है, लेकिन कल ये पानी यहाँ पर बढ़कर लगभग 8.5 लाख क्यूसिक हो गया था, जो पानी लगभग धीरे धीरे दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली के निचले स्तर में पहुंचकर वो अपनी तबाही मचाएगा। सरकार और प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी हैं सरकार ने। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा है कि सरकार की पूरी तरीके से पानी पर नजर है, लेकिन सबसे बड़ी जो खास बात है, जो भी जरूरत होगी लोगों को वो सरकार मुहैया कराएगी। हालात आप अभी देखिए कि 2-2.5 लाख क्यूसिक पानी में जो पानी के जो फ्लड गेट हैं वो लगभग पूरी तरह से खोल दिए गए हैं, और इसी हथनी कुंड बैराज से हरियाणा के तमाम कोनों में सिंचाई के लिए पानी भेजा जाता है। उन सभी छोटी नहरों को बंद कर दिया गया है। प्रशासन की कोशिश है कि वो पानी के बढ़ते जलस्तर को हमेशा माप कर अपनी आगे की टीमों को पूरी जानकारी उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो पानी है वो काफ़ी इलाकों में, गाँव में घुस गया है और गाँव में भी भारी तबाही मचाई है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसका फसलों पर बहुत बुरा असर पड़ा है, काफ़ी हद तक फसलें भी खराब हो गई हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि इसके बाद वो गिरदावरी कराएगी, पैमाना लेगी, नाप तो कराएगी और ये देखेगी फसलों क्या नुकसान हुआ, सरकार मुआवजा भी देगी। लेकिन तेज़ हो रही बारिश से लोगों को निजात नहीं मिल रही है, उनकी फसलें और उनका जीवन जो है कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहा है। कैमरामैन सियाराम के साथ कुमार रमेश, R9 TV, यमुनानगर।